एग्रीकल्चर बजट 2023 में किसानों की आमदनी बढ़ाने पर होगा फोकस। केसीसी और पीएम किसान योजना को लेकर है ये उम्मीद। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। केंद्र सरकार किसानों के लिए बजट 2023 में खास ऐलान कर सकती है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक सरकार इस बार एग्रीकल्चर और ग्रामीण का आर्थिक विकास करना चाहती है। ऐसे में किसान योजनाओं के तहत कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और इसका फायदा सीधे किसानों को मिल सकता है। खासकर सरकार छोटे और मध्य वर्ग के किसानों को का लाभ मिल सकता है। एसबीआई रिसर्च में कहा गया है कि सरकार को इस बजट के दौरान किसानों के विकास के लिए बजट 2023 में प्रोत्साहन राशि, किसान क्रेडिट कार्ड और कुछ अन्य किसान योजनाओं के तहत दिया जाना चाहिए। प्रोत्साहन देने से छोटे और सीमांत किसानों की मदद के साथ ही गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और किसानों की इनकम बढ़ सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को लोन की राशि दी जाती है ताकि किसान अपनी खेती समय से पूरी कर सके। यह ऐसा सिस्टम है जो किसानों को बैंक के माध्यम से सीधा पहुंचाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। अब एसबीआई रिसर्च ने कहा है कि ब्याज का भुगतान नवीनीकरण के लिए पर्याप्त होना चाहिए और इसकी घोषणा बजट 2023 में की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 लाख रुपए तक के ब्याज भुगतान को लेकर पर्याप्त शर्त होनी चाहिए। बता दें कि केसीसी में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए बैंकों की ओर से 15.9 लाख करोड़ रुपए के बकाया लोन का 60% शामिल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसानों को सहायता राशि के तौर पर दी जाने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। अभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं जो 3 किस्त में जारी किए जाते हैं। आप सभी का इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे अगर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।